हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको घर पे हम जलजीरा या फिर जीरा पानी कैसे बना सकते हैं इसकी एक सिंपल और क्विक रेसिपी बताऊंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर 4 टेबल स्पून के लगभग जीरा लिया है और इसको पैन पे रोस्ट करेंगे हम जब तक ये हल्का सा ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए जीरा अच्छी तरह से रोस्ट हो गया है, इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। इसको मिक्सी में भी हम कर सकते हैं और साथ में हम इस तरह से उल से बेलन पे अच्छी तरह से रोल करके भी कर सकते हैं। अगर इस पे करते हैं तो इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा होता है। जीरा जो होता है ये एंटी कैंसर इसमें प्रॉपर्टी होती है, हमें कैंसर से प्रोटेक्ट करता है। साथ में ये अगर किसी को डायरिया है तो उसको भी ट्रीट करता है। ब्लड शुगर, किसी को शुगर का प्रॉब्लम है और बढ़ जाती है तो उसको भी ये कंट्रोल करता है, फाइट करता है बैक्टीरिया से और पैरासाइट से, और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करता है। वेट लॉस में भी ये बहुत फ़ायदा देता है। इसकी एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से अगर हमारी बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, कहीं भी स्वेलिंग है, कुछ भी है तो उन सारी चीज़ों को ये कंट्रोल करता है। इसमें ये एनीमिया को भी ट्रीट करता है, अगर किसी को एनीमिया हुआ है, ब्लड बॉडी में हीमोग्लोबिन कम हो गया है तो धीरे धीरे ये उसको भी ट्रीट करता है। ये एंटी ऑक्सीडेंट है, तो ये जो हमारी एंटी ऑक्सीडेंट होने की वजह से जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हार्मफुल, उनको ये रिड्यूस करता है और साथ में इससे स्किन ग्लो में ग्लो आता है और हमारी स्किन बहुत अच्छी यूथफुल होती है। अब मैं ये मिंट लूँगी और इसे अच्छी तरह से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस में कट करके एक ग्लास पानी में इसको रख दूँगी थोड़े टाइम के लिए, 15 मिनट्स तक। मिंट को हमने अच्छी तरह से वॉश करके चॉप करके इस तरह से पानी में सोख करके रखा है, इसे हमें 15 मिनट्स रखना है। मिंट हम यहाँ पर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें विटामिन ए और विटामिन सी होता है, साथ ही इसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है। बी कॉम्प्लेक्स जो होता है वो हमें तुरंत एनर्जी देता है, बहुत ज़्यादा हमारे लिए एनर्जी मिलती है इस ड्रिंक को पीने से अगर हम समर में इसको पीते हैं तो, और इनडाइजेशन की कोई भी प्रॉब्लम होती है वो भी मिंट कंट्रोल करता है, स्टमक पेन को भी कंट्रोल करता है और किसी भी तरह का अगर हमें स्ट्रेस है तो उसको भी ये रिलीज करता है। मैं एक कंटेनर में 1 ग्लास ऑफ वाटर लूँगी और ये लार्ज स्पून जो होती है, लार्ज 1 टेबल स्पून जो होता है ये इसका 4 स्पून इसमें ऐड करूँगी। जब भी मैं लार्ज बोलती हूँ तो इस साइज़ का स्पून हमें लेना है और जब मैं स्मॉल बोलती हूँ तो आपको इस साइज़ का स्पून लेना है। 3 टेबल स्पून के 4 टेबल स्पून हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसको हम अच्छी तरह से अब मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह जो शुगर पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम शुगर डिसॉल्व करने के बाद इसमें जो हमने मिंट सोक करके रखा था 1 ग्लास पानी में, इस पानी को इसमें हम ऐड कर देंगे। ये देखिए इसका कलर अब चेंज हो गया है क्योंकि इसमें मिंट का फ्लेवर अब आ गया है। अब मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। टू स्मॉल टेबल स्पून के लगभग जीरा ले रही हूँ। अब इसमें मैं 2 ग्लास पानी और ऐड करूँगी। इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैं 4 पिंच के लगभग ब्लैक सॉल्ट ऐड करूंगी। इसमें मैं 1/2 लेमन भी स्क्वीज करूंगी। ये देखिए स्पेशल समर ड्रिंक जलजीरा रेडी है जो टेस्टी भी है और हेल्दी भी है। इसे आप बहुत जल्दी घर में बना सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी होता है क्योंकि ये सन स्ट्रोक से बचाता है। ज़्यादातर लोगों को जो समय में प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सेस हीट हो जाती है, बच्चों के कई बार स्टमक में पेन भी होता है हीट की वजह से समर में, उन सारी प्रॉब्लम्स से ये दूर रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।